सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। योगी सरकार में बालू माफियाओं का दम। मऊरानीपुर में पुलिस पर हमला। मऊरानीपुर में अवैध बालू के खनन पर पुलिस टीम ने छापा मारा तो खुद को भाजपा का वरिष्ठ नेता बताने वाले बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस फोर्स को बुलाकर आरोपी मुकेश राय को गिरफ्तार कर लिया गया। बुंदेलखंड में हमेशा यहां के सत्ता दल के नेताओं ने जमकर लूटा है, अब यही फायदा भाजपा के नेताओं और उनके करीबियों द्वारा उठाया जा रहा है। मऊरानीपुर में भी अक्सर हमारे द्वारा अवैध खनन की खबरों को दिखाया जाता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव के कारण पुलिस और प्रशासन खनन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहता है। बालू माफियाओं को सत्ता दल के नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। झांसी के सांसद और मऊरानीपुर विधायक के साथ तस्वीरें निकलवाकर खुद को भाजपा नेता बताने वाले शख्स मुकेश राय हैं। यह शख्स विधायक जी का करीबी बताया जाता है, जिसका मुख्य कारोबार बालू का अवैध खनन है। आज मऊरानीपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रानीपुर के पास बसारी नदी से बालू का भारी अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जेसीबी और ट्रैक्टरों द्वारा बालू का खनन किया जा रहा था। पुलिस जैसे ही अपने वाहन से जेसीबी के पास पहुंचे तो दबंग बालू माफिया ने अपनी बोलेरो कार से पुलिस वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस कर्मियों को चोट आई। इसके बाद अन्य थानों की पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने बालू माफिया को हिरासत में ले लिया। साथ ही मौके से दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी और आरोपी की बोलेरो कार को भी कब्जे में ले लिया गया। अभिनेंद्र सिंह चौहान रानीपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कार्रवाई कितनी मजबूत होगी यह कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इन माफियाओं पर कार्रवाई के बाद थानों के फोन घनघनाने लगते हैं और मामला रफा दफा करने की बात जोर पकड़ती है। फिलहाल अब मामला सिर्फ बालू खनन का नहीं बल्कि पुलिस टीम पर हमले का है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के नेताओं के करीबी तथा कथित नेता का अब क्या कार्रवाई। क्या घटना हुई है सर आज आपके साथ? आज हम लोगों को, मैं चौकी में बैठा था, मेरे पास सूचना आई कि बसारी नदी, बसारी गांव है, उसके बगल में नदी है जहां अवैध खनन होता है, वहां पे सूचना मिली तो मौके पहुंचा, तो मौके पे देखा कि दो ट्रैक्टर एक जेसीबी जो अवैध खनन कर रहे थे, मौके पर दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ लिया गया। जेसीबी जैसे पास में गए जेसीबी भागने लगी, जेसीबी भागी तो वहाँ पे एक खड़ी बुलेरो भी खड़ी थी। जैसे हम लोग जेसीबी के पास जाने लगे तो बुलेरो वाले ने आके हमें टक्कर मार दी। जैसे टक्कर मारी तो हम लोग को काफ़ी चोटें आई हैं। कितने बजे घटना है ये? घटना लगभग वही दो के आसपास की, दो बजे के आसपास। कितने लोग आए, जख्मी हुए हैं? इसमें लगभग दो सिपाहियों की चोट आई है और मुझे भी चोट आई है। क्या कार्रवाई की गई है? मौके पर प्रशासन पहुंचा फिर? हाँ, मौके पर बाकी और फोर्स मंगाया गया, थाने से बाकी फोर्स मंगाया गया था, और मौके पे एक आदमी मिला जो पूरा खनन माफिया है। क्या नाम है उसका? मुकेश यादव, मुकेश राय मुकेश राय नाम है उसका, और उसके काफ़ी पहले से मुकदमे भी खनिज के कायम है, काफ़ी दिन से इसकी तलाश भी थी पुलिस को, मौके में पकड़ा गया है। क्या क्या बरामद हुआ है सर वहाँ से? वहाँ से दो ट्रैक्टर महिंद्रा के, एक जेसीबी और जो बुलेरो से टक्कर मारी थी वो बुलेरो भी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।